फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट भटूरे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, ये देखिए, और इसमें मैं 1/3 नमक डालूँगी और 1/3 सोडा और 1/3 चीनी। इन सारी चीज़ों को मैं पहले मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दही। और इसे भी मिक्स करूंगी अच्छे से। दही नॉर्मल है हमारी, अगर ज़्यादा खट्टी हो तो और कम डालें। और फिर मैं इसे पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। और ये मैं 1/2 कप पानी लिया है, जितना लगेगा मैं इसमें देकर सानूंगी। ये मैदा है दोस्तों, इसमें थोड़े थोड़े पानी देकर इसे मिक्स करना होगा, वरना ये डो गीला हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डो बनकर तैयार है। और इसमें मैं हल्की सी रिफाइंड सिर्फ इसमें इसे करके लगा दूंगी और इसे 1/2 घंटे के लिए मैं रेस्ट पर छोड़ दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 1/2 घंटा हो गया है और ये हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। अब मैं इसमें से लोई काट लूँगी। अब जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लोई काटें, मैंने नॉर्मल साइज के लिए है। अब मैं इसमें आटे की सहायता से या मैदे की सहायता, मैंने आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से बेल लूंगी बिल्कुल पतली करके। देखिए ये मैंने बेल लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाया है तेल डालकर गरम होने के लिए। ये एक बार अच्छे से गरम हो जाए फिर मैं इसमें तलूंगी। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई में डाला हुआ तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। और अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दूंगी और इसमें अब मैं इसे बेले हुए भटेरे को डालूंगी। ये देखिए, ये भटोरा हमारा कितने अच्छे से फूल गया है। और मैं इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक कर निकालूंगी। ये देखिए, भटोरा हमारा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा भटोरा बनकर तैयार है। ये हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।